आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने लक्ष्य बाई ज्वाइन किए और आप हमारे वीडियोस देख रहे हो और उसको काफी पसंद कर रहे हो। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले लीनियर अलजेब्रा का पहला टॉपिक मैट्राइसिस। मैट्राइसिस में हम लोग ईच एंड एवरी टॉपिक पढ़ने वाले काफी डिटेल में। बहुत सारी मैट्राइसिस में ऐसी चीज है जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके जब हम 11th में थे, 12th में थे, या जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आपको आज फिर से शुरू से मैट्राइसिस के हर एक टॉपिक काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन से टॉपिक से आने वाला है, वो हमें कुछ भी नहीं पता है ना। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको बाद में पढ़ लेंगे। इस चक्कर में क्या होता है, हम उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हम स्किप करके जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी मिस्टेक हो, वो उनको बाद में कुछ भी पछतावा हो कि यार हमने ये सिंपल सा टॉपिक क्यों छोड़ दिए थे। इसीलिए आज हम मैट्राइसिस का एक सिंपल से सिंपल, बेसिक से बेसिक डेफिनेशन, उसके टाइप्स, हर एक चीज काफी डिटेल में देखने वाले। तो आज हम स्टार्ट करने वाले लीनियर अलजेब्रा। फ्रेंड्स, मैट्राइसिस में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखने वाले कि वो टाइप्स ऑफ व्हाट इज मैट्रिक्स। सबसे पहले हम क्या देखने वाले कि मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स। सेकंड हम देखने वाले कि कौन से टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। तो सेकेंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग देखने वाले कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, लाइकवाइज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसके बाद हम देखने वाले कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। रियल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, हम ये सब आज पढ़ने वाले। ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले, मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखने वाले कौन से टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, फिर हम देखने वाले कि मैट्रिक्स में ऑपरेशन जो होते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं, और उसके बाद हम लास्ट आज देखने वाले कि रियल मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपको कोई सिस्टम दिया है उसमें आपके नंबर्स अगर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं, आपको एक सिस्टम दिया है जिसमें आपके नंबर्स हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो वो जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स दिया ए, ए जो रहता है ये रहता है नेम ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का नाम क्या हो गया ए, और एम बाय एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कितने बाय कितने का है, या मैट्रिक्स का साइज कितना है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m बाय n से। तो देखिए, आप लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a m बाय n, वो आपको दिया a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। यहाँ पे जो a11 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, A11 आपको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 रिप्रेजेंट करता है आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये जो 11 है सबस्क्रिप्ट है। A13 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो। सिमिलरली A21 क्या रहेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। A23 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली A31, A32 एंड A33, यहाँ पे तीन रोज है आपके R1, R2 एंड R3। सिमिलरली तीन कॉलम से C1, C2 और C3। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का m बाय n, m मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, नंबर ऑफ रोज। m क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, नंबर ऑफ रोज, और n क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं a इक्वल टू स्मॉल a ऑफ ij ऑफ ऑर्डर m बाय n।
ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो कैपिटल ए है वो क्या है, नेम ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एलिमेंट, कि आपका वो मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल ए से। आई क्या रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट करता है कि आपका वो जो एलिमेंट है वो कौन सी रो में प्रेजेंट है। आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो एलिमेंट है वो कौन सी रो में प्रेजेंट है। वैसे जे क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो एलिमेंट है वो कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है आपका, जे। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। आपको एक मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, 8, 6 and 7, 8, 9 यहां पे हम देखेंगे यहां पे कितने रोज है आपके, तीन रोज है। सिमिलरली यहां पे कितने कॉलम से, तीन कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो जाएगा, 3 by 3 का। ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने में, 3 by 3 का, क्योंकि यहां पे कितनी रोज है, तीन, और कितने कॉलम्स यहाँ पे, तीन। अब यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हमने मैट्रिक्स के अंदर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, जैसे 1, 2, 3, 4, 8, 6, 7, 8, 9, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, अगर हम बात करते हैं कोई भी एक हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं एलिमेंट 6 की, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो एलिमेंट 6 है ये कौन सी रो में प्रेजेंट है, सेकेंड रो में, और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है। ठीक है, हमारा जो एलिमेंट 6 है कौन सी रो में, सेकेंड रो में, और कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो यहां पे हम देखेंगे i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2, और j इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3। मैंने आपको पहले बताया i क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो एलिमेंट है वो कौन सी रो में प्रेजेंट है, और j क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो कॉलम है, आपका जो एलिमेंट है वो कौन से कॉलम में प्रेजेंट है। राइट फ्रेंड्स, तो हमारा जो एलिमेंट 6 है वो कौन से इसमें प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है A2, 3 में, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम में। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते, आज का सेशन आगे बढ़ाते, हम नेक्स्ट हम पढ़ने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कौन से टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला जो मैट्रिक्स है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में वो आपका आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम दोनों क्या रहेंगे, सेम। अगर इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया है A=2, ये भी एक मैट्रिक्स है, आपको लग रहा होगा सर आप तो एक सिंगल वैल्यू लिख दिया आपने, लेकिन ये भी यहां पे कितनी रोज है, एक, और कितने कॉलम से, एक, तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया, 1 by 1 का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे m की वैल्यू रहेंगी 1 और n की वैल्यू भी कितनी रहेंगी, 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, A=1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी रोज है, 2 रोज है, और कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है, मतलब रो भी इक्वल है, रो इज इक्वल टू कॉलम्स, रो इक्वल टू कॉलम इक्वल टू 2 हम बोल सकते हैं। तो अगेन ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक 3 by 3 का भी देख लेते, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया A=1, 3, 3, 1, 4, 3 and 1, 6, 7, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कितनी रोज है, 3 रोज है, और कितने कॉलम से, 3 कॉलम से, तो अगेन ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर आपको A=2 दिया हुआ है, 1, 3, 3, 1, 4, 3, तो यहां पे हम देख रहे हैं कितनी रोज है, 2 रोज है, कितनी रोज है यहां पे, 2 रोज है, और कितने कॉलम से, 3 कॉलम से, तो रो आपकी 2 है और कॉलम कितने आपके, 3 है, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ क्या, नहीं, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब शायद आपको समझ गया होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आता है, दूसरा आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो रहेंगे वो 0 रहेंगे और डायगोनल में आपके कुछ ना कुछ वैल्यू प्रेजेंट रहेंगी,
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहां पर आपको दिया ए इक्वल टू 100, 020 एंड 003। यहां पे हम इसको हाईलाइट करेंगे डायगोनल को, ये आपका डायगोनल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या तो आप इसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल में आपकी वैल्यू प्रेजेंट रहेंगी और जो नॉन डायगोनल है मतलब डायगोनल के ऊपर के और नीचे की जो वैल्यूज है उसको हम नॉन डायगोनल बोलते हैं, है ना। तो डायगोनल में वैल्यूज रहेंगी और नॉन डायगोनल सभी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखेंगे, थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स दोस्तों नाम से समझ में आता है, नल मतलब क्या होता है, जीरो, या जीरो लिखा ही है वहां पे। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या रहेगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, वहां पे कोई भी आपके वैल्यूज प्रेजेंट नहीं रहेंगे, लाइक 1, 2, 3, -1, -2 ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। सारे एलिमेंट जो रहेंगे मैट्रिक्स के अंदर के वो सभी के सभी क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, अब ये सब चीजें आपको पता है, ये सिंपल सिंपल चीज है, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था हम एक भी चीज मिस नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसे ए इक्वल टू दिया 000, तो ये आपका नल मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स ले लीजिए बी इक्वल टू, ये 2x2 का है, दूसरा हम 2x3 का ले लेते हैं। अब देखो आप, ये 2x3 का मैट्रिक्स है, क्यों 2x3 का है, क्योंकि यहाँ पे दो रोज है और कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो इसीलिए कौन सा मैट्रिक्स कहलाया जाता है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। चौथा मैट्रिक्स आता है आपका यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स को और ही हम और हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम बढ़ेंगे मैट्रिसेस के, हम जैसे जैसे आगे टॉपिक्स कवर करेंगे, आगे एक टॉपिक आने वाला है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, वहां पे आपको इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। और बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे हम यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारा जो डायगोनल रहेगा उसके सारे एलिमेंट 1 रहेंगे और नॉन डायगोनल क्या रहेंगे आपके, 0 रहेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से, कैपिटल लेटर आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आई इक्वल टू 1 है, I equal to कितना दिया है 1, तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो गया, 1/1 का। अगर हम 2x2 के लिए बात करते हैं तो 2x2 के लिए I क्या हो जाएगा आपका 1001। 3x3 के लिए क्या हो जाएगा आपका I, for 3x3 I को हो जाएगा आपका 1000010001। ओके, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में क्या रहेंगे 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यूनिट मैट्रिक्स की, पहली प्रॉपर्टी होती है ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए विच इज इक्वल टू ए। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी, अगर आप कोई मैट्रिक्स है अगर उसको आप आई से मल्टीप्लाई करते हो, ए इंटू आई, उसका मतलब क्या होता है, आई इंटू ए, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका ए ही आंसर आने वाला है। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की और यूनिट मैट्रिक्स की। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे आई टू द पावर एन। अगर कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे वो 1/1 का हो, चाहे 2/2 का हो, चाहे 3/3 का हो, उसका अगर आप कोई भी पावर लेते हो, इवन पावर या ऑड पावर, तो हमेशा उसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आई ही आने वाला है। ओके, थर्ड डिटरमिनेंट ऑफ आई, ये जो दो वर्टिकल बार है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये किसका सिंबल है आपके, डिटरमिनेंट का। अगर आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, फिफ्थ वाला।
मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। एक आपको यहाँ पॉइंट बताना चाहूंगा कि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया है जिसके डायगोनल के एलिमेंट सेम है लेकिन नॉन डायगोनल क्या रहेंगे, जीरो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ए इक्वल टू दिया है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट है वहां पे आपके सेम नंबर गिवन है 2 2 2, और नॉन डायगोनल सभी क्या है, जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी देखे थे, वहां डायगोनल में था 1 1 1, सेम ही वैल्यू थी ना, तो इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, छठवा टाइप है, सिक्स्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके अगर डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 1 2 3, 0 4 6 एंड 0 0 5। तो यहां पे हम देख सकते हैं हमारा जो डायगोनल है, हमारा ये जो डायगोनल है उसके देखिए नीचे के एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ये जो मैट्रिक्स है ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि आप देखोगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिक्स्थ हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेवेंथ हम लोग देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था सिमिलरली वैसे ही हम देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में क्या हो रहा था कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो थे, तो लोअर में क्या हो जाएगा, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा, आप सेम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, 1 0 0 3 2 0 और 5 -7 4, 4 -5 4। यहां पे हम देखिए आपका जो डायगोनल है उसके ऊपर के एलिमेंट क्या है, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा आपका आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, शायद आप लोगों ने इंजीनियरिंग में नहीं पढ़े, ये मैट्रिक्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपने गेट का प्रिपरेशन किए होंगे या आप कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये इस मैट्रिक्स के बेसिस के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला जो देखेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम और दो मैट्रिक्स देखने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है अगर आप उसको उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो आंसर आएगा वो सेम मैट्रिक्स ही आएगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया ए, अगर आप ए को फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए। एग्जाम्पल से समझेंगे, सपोज हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू 1 0 0 1, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं है ना, अगर इसका हम स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं, तो अगेन क्या आएगा आपका 1 0 0 1 ही आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, जहां पे आपका ए स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, ए। इसका एक और एग्जाम्पल है ए इक्वल टू, अगर हमने सारे एलिमेंट जीरो कर दिए 0 0 0, तो अगेन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इनवोलेंट्री, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हम लोग आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का, ए इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 4, 1 -2 एंड -3। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, आपके आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का। आप इसको घर पे निकाल के देख सकते हो, एक ए स्क्वायर निकाल लीजिए, आपका सेम मैट्रिक्स ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इनवोलेंट्री मैट्रिक्स। हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के नाइन्थ वाला मैट्रिक्स है इनवोलेंट्री
इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब किसको हम इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर हम किस कोई मैट्रिक्स दिया उसको अगर हम स्क्वायर निकालते ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको ए इक्वल टू दिया है 1 0 0 1, इसका आप स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या जाएगा आपका इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपको ए इक्वल टू दिया है 4 3 3 -1 0 -1 -4 -4 3, है ना, इसका अगर हम स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू ए करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आई आने वाला है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, अब निलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, अगर हम ए टू द पावर एक्स करते हैं, ए टू द पावर एक्स करते हैं अगर वो इक्वल टू क्या आता है आपके जीरो के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। इसके लिए एक और कंडीशन है कि ए टू द पावर एक्स माइनस वन जो रहेगा वो नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए आपके जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए टू द पावर एक्स इक्वल टू अगर जीरो आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और एक्स जो रहेगा आपका स्मॉलेस्ट इंडेक्स है, एक्स यहाँ पे जो है वो क्या आपका स्मॉलेस्ट इंडेक्स, मतलब सबसे छोटा इंडेक्स जिसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आपको ए इक्वल टू दिया है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 3, ये जो मैट्रिक्स दिया है ये जो मैट्रिक्स दिया है यहां पे अगर हम एक क्यूब निकालते हैं, अगर हम एक्स की जगह क्या रखते हैं 3, ठीक है, एक क्यूब निकालते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स हो गया ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और अगर हम एक्स की जगह ए टू द पावर 3 -1 करेंगे मतलब हो गया ए स्क्वायर, वो क्या रहेंगे आपके नॉट इक्वल टू जीरो। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप सिंपली घर में कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है हम देखेंगे। तो अगर आप x की जगह 3 पुट करते हो तो ए क्यूब इक्वल टू क्या रहा है, जीरो। और दूसरे वाले में पुट करते हो ए टू द पावर एक्स माइनस वन में x की जगह 3 पुट करते हो तो ए स्क्वायर जो आएगा वो नॉट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप्स मैट्रिक्स से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन, और लास्ट में हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन। जब भी हम इस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स के ऊपर तो कुछ चीजें, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है वो हमें ध्यान में रख के हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। हम रैंडमली ऐसे एडिशन मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दिए ए एंड बी, तो ये जो दो मैट्रिक्स है दोनों, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोनों आपके क्या होना चाहिए, स्क्वायर, है ना, दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का साइज सेम है ना, उसी कंडीशन में आप इसको ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप ऐड नहीं कर सकते हो। मतलब ए अगर आपका m बाय n है तो जो b मैट्रिक्स रहेगा वो भी क्या रहना चाहिए, m बाय n ही रहना चाहिए। और इन दोनों को ऐड करके आपको जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, m बाय n ही रहेगा। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, c से। तो a प्लस b इक्वल टू क्या, c। a का यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हो क्या है, m बाय n। b का भी ऑर्डर क्या है, m बाय n। और सी जो उससे बना मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर क्या बनेगा, हमारा एम बाय एन ही बनेगा। तो एडिशन करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ऑर्डर जो रहेगा मैट्रिक्स का या साइज जो रहेगा मैट्रिक्स का वो क्या रहना चाहिए, कभी भी सेम रहना चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आपको a इक्वल टू दिया है, पहला मैट्रिक्स दिया है 4285 प्लस, इसको आपको ऐड करना है दूसरे मैट्रिक्स से जिसका नाम b है, वो दिया आपको 4678। अब एडिशन किस तरीके से किया जाता है? एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं पहला मैट्रिक्स का साइज 2x2 है और दूसरे का साइज भी क्या है 2x2 है। तो इसको ऐड किस तरीके से किया जाता है? पहला जो मैट्रिक्स है उसका पहला जो एलिमेंट है 4, उसको हम ऐड करेंगे। किससे ऐड करेंगे? दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके पहले एलिमेंट से, मतलब 4 + 4 कितना हो गया आपका यहाँ पे 8। सिमिलरली आगे के जो एलिमेंट्स है उसको हम ऐड करते जाएंगे, मतलब 2 + 6, नेक्स्ट आएगा 8 + 7 और लास्ट आएगा आपका 5 + 8। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका एक मैट्रिक्स बनेगा 8 8 15 13। तो आप देख रहे हो आपका जो ए मैट्रिक्स था, मतलब पहला जो मैट्रिक्स था 2x2 का था, दूसरा जिसको आपको ऐड करना था वो भी 2x2 का था, और आपका जो आंसर आया लास्ट में 8 8 15 13 वो भी कितने कितने का है, 2x2 का मैट्रिक्स ही है। तो ये इस तरीके से हम एडिशन करते हैं। अब जिस तरीके से हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन भी हम उसी तरीके से किया जाता है। तो सब्सट्रैक्शन करने का और एडिशन करने का तरीका, दोनों का तरीका क्या है, सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो थर्ड ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एडिशन के टाइम सिंपली हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट है उसको उसी एलिमेंट से कर लेते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है, और मल्टीप्लीकेशन हम जो मैट्रिक्स के लिए करते हैं वो अलग होता है, और जो डिटरमिनेंट के लिए करते हैं वो अलग होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज आपको a इक्वल टू दिया है 5 2 3 6 4 3 and 2 1 3, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए। अगर आपने फाइंड करने बोला है कि आप इवेल्युएट करो 3a, तो यहां पे हम सिंपली क्या करेंगे, आपका जो कांस्टेंट 3 है उसको हम सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए के जो सारे एलिमेंट्स है उससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैट्रिक्स का। तो ये क्या हो जाएगा, जब 3 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15 6 9 18 12 9 6 3 and 9। तो इस तरीके से अगर आपको सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट हम इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन नहीं करते। डिटरमिनेंट में या तो हम पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करके उसके हिसाब से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब हम आगे देखेंगे रूल्स मल्टीप्लीकेशन के। तो जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया ए जिसका ऑर्डर है ए बाय बी, और दूसरा एक मैट्रिक्स दिया बी जिसका ऑर्डर है बी बाय सी, है ना। तो अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको ये देखना पड़ता है कि जो ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है, ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो और बी मैट्रिक्स की जो रो है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर वो सेम है उसी कंडीशन में आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज उसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। और इससे आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा, जो आपका फाइनल मैट्रिक्स या जो रिजल्ट रहेगा वो रहेगा आपका क्या साइज का, ए बाय सी का। तो ये एक्चुअल लॉजिक है हमारा मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन करने का। सपोज आपको एक मैट्रिक्स दिया ए जिसका साइज है 3x1, दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका साइज है 1x3। अब यहाँ पे देखो जो सेकेंड जो पहला मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है नंबर ऑफ रोज कितने 1 है, दोनों इक्वल है कि नहीं है। इसी केस में हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो लास्ट फाइनल मैट्रिक्स बनने वाला है वो कितने बाय कितने का बनने वाला है, 3x3 का। तो शायद आप लोगों को समझ गए होंगे कि मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है। अब 3x1 ए कितने बाय कितने का, 3x1 का। तो 3x1 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितनी रोज रहने वाली है, 3, और कॉलम कितने रहने वाले हैं, 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो 3 रोज है R1 R2 R3, और कॉलम कितने आपके, एक ही कॉलम है। तो ये हो गया आपका 3x1 का। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, 1x3 से। 1x3 मतलब क्या, एक रो रहेंगी और 3 कॉलम रहेंगे, सॉरी थोड़ा बड़ा बन गया मैट्रिक्स, यहाँ पे एक ही रो आएंगी 2 1 2, और कॉलम्स कितने रहेंगे यहाँ पे,
तीन कॉलम देंगे, ठीक है, देयर इज ओनली वन रो एंड थ्री कॉलम्स, तो ऐसे मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और हमारा जो फाइनल आउटपुट रहेगा या फाइनल रिजल्ट जो रहेगा वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितने बाय कितने का रहेगा, 3 by 3 का मैट्रिक्स रहेगा। अब हम एक तो एग्जांपल से समझेंगे किस तरीके से एक्चुअल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेट अस हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 5, दूसरा एक मैट्रिक्स दिया आपको 4 3 9 6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑर्डर क्या है दोनों मैट्रिक्स का। तो जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 by 2, मतलब दो रोज है और दो कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर भी कितना है आपका 2 by 2 है। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो पहला जो मैट्रिक्स रहेगा उसका कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, दोनों क्या होना चाहिए इक्वल। तो देखिए दोनों 2 2 है यहाँ पे, तो ये 2 2 सेम है दोनों, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है दो स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पहला मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो लेंगे, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो जो मैट्रिक्स के हमने फर्स्ट रो लिए तो पहला जो एलिमेंट है, यहाँ पे पहला एलिमेंट है 1, उसको जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 into 4 प्लस जो दूसरा मैट्रिक्स है पहली रो का उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, मतलब ये जाएगा 1 into 4 प्लस 2 into 9। वैसे हम क्या करेंगे, जो पहला मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट रो है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दूसरा जो मैट्रिक्स है उसके सेकेंड कॉलम से। किस तरीके से करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे एलिमेंट से, मतलब 1 into 3 प्लस 2 into 6। सिमिलरली जो पहला मैट्रिक्स है उसकी सेकेंड रो को करेंगे तो सेकेंड रो को पहले किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के, तो ये हो जाएगा 4 into 4 प्लस 5 into 9। सिमिलरली क्या करेंगे, जो सेकेंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स की उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से, किसके सेकेंड कॉलम से, सेकेंड मैट्रिक्स के, तो ये हो जाएगा 4 into 3 प्लस 5 into 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 4 plus 9 = 18, 3 plus 12 16 plus 5 9 = 45, 4 3 = 12 plus 6 = 30। इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, 18 plus 4 is 22, देन 15, देन 61 और लास्ट इज 42। तो फ्रेंड्स आप शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने बताया कि आपको ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, पहले हमने देखे एडिशन, फिर हमने देखे सबसेक्शन और फिर हमने देखे अभी मल्टीप्लीकेशन। आगे बढ़ते नेक्स्ट आता है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बहुत से स्टूडेंट्स ने शायद पहली बार सुन लोगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कि हमारा जो मैट्रिक्स हमको गिवन है अगर हम उसके डायगोनल के एलिमेंट को सबको ऐड करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब डायगोनल के एलिमेंट को आपको ऐड करना है, आपको जो आंसर मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको ए इक्वल टू दिया है 4 5 6 7 8 9 and 1 2 3, शायद सभी को समझ गया होगा डायगोनल मतलब क्या होता है, मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब क्या होता है, कि वो जो ऐसे एलिमेंट जिनका रो और कॉलम क्या रहेगा सेम रहेगा उसी को हम लोग डायगोनल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं डायगोनल को, अगर हम ऐड करते हैं मतलब 4 plus 8 plus 3 which is equal to 15, तो ये हमने जो किए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू TR A, इसका मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रेस ऑफ ए। TR of A का मतलब क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए, और ट्रेस का मतलब क्या होता है, कि आपके जो डायगोनल के एलिमेंट है उसको आपको ऐड करना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ लैम्डा ए,
इक्वल टू होता है लैम्डा ट्रेस ए। ट्रेस ऑफ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा ट्रेस ए। स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपके सिंपल क्वेश्चन आए थे एकदम प्रॉपर्टी के ऊपर, और हमें प्रॉपर्टी याद नहीं होती, क्योंकि हर इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी, हम आगे देखेंगे और भी प्रॉपर्टीज, लेकिन आपको हर एक प्रॉपर्टी अच्छे से याद करना है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू होता है ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ बी ए। तो आप सभी को समझ गया होगा ट्रेस का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको एडिशन करना है ऐसे एलिमेंट्स का जो आपके मेन डायगोनल में प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर हम रो को इंटरचेंज कर रहे हैं कॉलम से, या कॉलम को हम इंटरचेंज कर रहे हैं रो से। अगर आपकी रोज है उसको हम कॉलम बना देंगे, और कॉलम्स को हम क्या बना देंगे, रो बना देंगे। तो ये जो इंटरचेंज कर रहे हैं हम रो को कॉलम से और कॉलम को रो से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, 3x1 का मैट्रिक्स है, 3x1 का है, और इसको हमें ट्रांसपोज करना है, तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा ट्रांसपोज करने के बाद वो क्या हो जाएगा, ए 1/3 का। हमें जो दिया था उसमें कितनी रोज थी, 3 थी, और कितने कॉलम्स थे, 1 थे। तो ट्रांसपोज करने के बाद उल्टा हो जाता है, कॉलम कितनी रोज आएंगी, 1, और कॉलम कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। तो हमारा जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए टू द पावर टी। ए टू द पावर टी मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज। इसको एक दूसरा तरीका भी जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो कर सकते हो, ए डैश। आप दोनों में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बुक्स में दिया है ए टू द पावर टी लिखा है, और कोई बुक में क्या लिखा हुआ है, ए डैश लिखा हुआ है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दोनों का मतलब सेम ही होता है, आप कैसे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट जनरली मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या दिया रहता है, आपका ए टी दिया रहता है। तो अगर आपको ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए टू द पावर टी से। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, हम वो देखते हैं। अगर आपको दिया हुआ है ए ट्रांसपोज, पहली जो प्रॉपर्टी ए ट्रांसपोज टू द पावर ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज टू द पावर ट्रांसपोज इक्वल टू हमेशा क्या होता है आपका, ए। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी ट्रांसपोज, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट देखेंगे के ए ट्रांसपोज, के जो आपका कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा आपका, ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको याद रखने की जरूरत है। वैसे आपको सभी प्रॉपर्टी याद रखना है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा अच्छे से आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पे आपको दो मैट्रिक्स दिए, इसकी जगह आपको तीन मैट्रिक्स दिए रहेंगे, तो ए बी सी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इंटू ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, हमारे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। आगे रियल मैट्रिक्स एंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। नाम से समझ में आता है रियल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कि अगर आपके जो एलिमेंट्स है, आपके जो एलिमेंट्स रहेंगे मैट्रिक्स के, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स रियल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब 1, 2, 3, -1, -2, इस तरीके से अगर आपको मैट्रिक्स दिया है तो इसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ए इक्वल टू 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1। तो आप देखोगे ये जो मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे सारे नंबर्स क्या है, रियल है, तो इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, रियल मैट्रिक्स हो गया। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कि आपके जो एलिमेंट्स है अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां पे,
आई जे, इस तरीके से अगर नंबर आपको दिए रहेंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको एक वर्ड दिया 5, 3 प्लस 2 है, 2 माइनस 3 है एंड 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट है वहां पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और थर्ड में भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स के कौन से क्लासिफिकेशन है, उसमें सबसे पहला आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल मैट्रिक्स, उसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपका आपको कोई मैट्रिक्स दिया है उसके जो एलिमेंट है अगर ए ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ जे आई होता है, ए ऑफ आई जे इक्वल टू क्या रहेगा आपका ए ऑफ जे आई, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या रहेगा आपका ए। अगर आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए दिया है और आपसे पूछे किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, ये कौन सा मैट्रिक्स होता है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जहां पे ए ऑफ आई जे इक्वल टू क्या रहेगा आपका ए ऑफ जे है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी सिमेट्रिक की, कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या रहेगा ए। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ए इंटू ए ट्रांसपोज। सेकेंड हम देखेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज जो रहेगा ये हमेशा आपका क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। थर्ड हम देखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय टू, ये आपका सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक। तो पहले हमने देखे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या, कि उसका जो ए ट्रांसपोज निकालोगे हमेशा इक्वल रहेगा किसके, ए के। और ए इंटू ए ट्रांसपोज भी हमेशा क्या रहेगा आपका, सिमेट्रिक रहेगा। लेकिन ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाय टू जरूरी नहीं है सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल से मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू 3 5 5 -4, इसका आपको ए ट्रांसपोज फाइंड करना है ना। हमें क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज। मैंने आपको भी बताया ए ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, रो को इंटरचेंज कर देते हैं कॉलम से और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं रो से। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 5 और हो जाएगा 5 -4। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज किए तो ए ट्रांसपोज क्या होगा 3 5 5 -4। लेकिन आप ए चेक करो, ए भी आपको क्या गिवन था 3 5 5 -4, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए ही होता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको घर पर सॉल्व कर लेना। बी इक्वल टू आपको अगर दिया है 1 3 5 3 0 3 5 3 2, इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज आपको हो जाएगा बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 3 5 को कॉलम में लिखेंगे, सिमिलरली 3 0 3 को भी कॉलम में लिखेंगे, सिमिलरली 5 3 2 को भी आप कॉलम में लिखेंगे। तो देखेंगे अगर आप B ट्रांसपोज और B दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा जिसका हम क्या पढ़ रहे हैं, रियल मैट्रिक्स के बारे में। रियल मैट्रिक्स का हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा हम देख रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कब हम कौन से मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर माइनस ए होता है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर माइनस ए होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके पहले हमने जो देखे थे वहां ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था, यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है माइनस ए। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए रहेगा तो वो सिमेट्रिक हुआ, लेकिन अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए रहेगा तो उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे तरीके से, ए इक्वल टू कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए ऑफ आई जे। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं
ए ऑफ आई जे का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ऑफ जे आई। फिर से हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है माइनस ए, और हम क्या लिख सकते हैं ए ऑफ जे आई, ए ऑफ जे आई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं माइनस ए ऑफ आई जे। अगर हम क्या कर रहे हैं, ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है ए ऑफ आई जे उसको अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा ए ऑफ जे आई प्लस ए ऑफ आई जे इक्वल टू जीरो। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर वन, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो ये हमें सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिली, दैट इज इक्वेशन नंबर वन। अब हम देखेंगे कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं उसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है वन, और जे की वैल्यू भी कितनी होती है वन। अगर टू सेकेंड लेंगे तो आई की वैल्यू होती है टू, जे की वैल्यू होती है टू। थ्री बाई थ्री का थर्ड लेंगे तो आई की वैल्यू होती है थ्री और जे की वैल्यू भी क्या होती है थ्री। किसके लिए? डायगोनल एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉर डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू कह सकते हैं जे। तो इसको अगर हम पुट करते हैं हमारी इक्वेशन नंबर वन में तो क्या हो जाएगा, पुट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर वन में आई इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ऑफ आई प्लस अगेन ए ऑफ आई इक्वल टू जीरो। इसको हम बोल सकते हैं टू टाइम्स ए ऑफ आई इक्वल टू जीरो, टू को वहां लेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ए ऑफ आई इक्वल टू क्या आ गया आपका जीरो। तो ए ऑफ आई इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल रहेंगे उसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहेंगी जीरो। अगर आपके डायगोनल में जीरो है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको कॉसमेट्रिक बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ हम एग्जांपल देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। अब देखो अभी हमने देखे कि अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमेशा उसके डायगोनल में क्या रहना चाहिए जीरो। तो ए वन वन और ए टू टू दोनों क्या रहेंगे आपके जीरो। ठीक है, डायगोनल अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल के जो एलिमेंट रहना है वो हमेशा क्या रहना चाहिए जीरो रहना चाहिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया। अब व्हाट अबाउट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो आपके ऑफ डायगोनल है या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या रहेंगे? तो यहाँ पे आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो कौन से है, ए वन टू है और दूसरा कौन सा है ए टू वन है। तो ए वन टू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए टू वन। ये दोनों जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये किससे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, माइनस साइन से। अगर मैं बोलता हूं कि ए वन टू अगर आपका थ्री है, ए वन टू की वैल्यू अगर थ्री है तो ए टू वन कितना हो जाएगा आपका माइनस थ्री। वैल्यू सेम रहना चाहिए लेकिन साइन क्या रहना चाहिए उनकी अपोजिट रहना चाहिए, क्योंकि वो किससे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, माइनस साइन से रिलेट कर रहे हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। आपको एक मैट्रिक्स दिया है बी इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री। ये आपको जो मैट्रिक्स गिवन है थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का गिवन है। अब हम चाहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे, तो मैंने आपको अभी बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपका जो डायगोनल है वो हमेशा क्या रहना चाहिए जीरो। मतलब ए वन वन, ए टू टू और ए थ्री थ्री जो है इनकी वैल्यू क्या रहना चाहिए आपकी जीरो। तो सबको हम जीरो लिख देंगे। ठीक है, अगर हम अज्यूम करते हैं A12 और A21 जो है ये दोनों किससे रिलेट कर रहे हैं, नेगेटिव साइन से। अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि A12 हमारा 5 है तो A21 कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली माइनस 5। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ A32 आपका माइनस 2 है, A32 आपका कितना है माइनस 2, तो वो किससे रिलेट कर रहा है A23 से, तो A23 कितना जाएगा आपका प्लस 2। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ A13 की वैल्यू 0 है तो A31 भी कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो के पास सामने आप नेगेटिव लगाओ चाहे पॉजिटिव लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आता है आपका माइनस ए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसकी कंडीशन क्या रहती है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे जीरो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे बढ़ते, थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन इज
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है क्लासिफिकेशन रियल मैट्रिक्स का, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू होना चाहिए आपका ए इनवर्स। अगर आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर ए इनवर्स आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, है ना, तो या तो मैं लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या तो मैं एलिमेंट के राइट साइड में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। अगर मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करता हूं तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन और प्री मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली अगर मैं राइट साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको बोलते हैं राइट मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन, दैट इज प्री मल्टीप्लीकेशन। प्री मल्टीप्लीकेशन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए से। तो क्या हो जाएगा ये ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। और हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है अगर हम उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स है, कोई मैट्रिक्स है उसको अगर हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज आई। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो गया आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या ए इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू क्या होगा आई। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सेम हमारा जो था ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ए से, लेकिन किस साइड करेंगे राइट साइड। तो क्या हो जाएगा ये ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ठीक है, अभी आपको बताया कि कोई भी मैट्रिक्स से अगर आप उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका आए। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर टू। अगर आप इक्वेशन नंबर वन और टू को इक्वेट करते एक दूसरे से तो आपको मिलता है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए विच इज इक्वल टू आई, विच इज इक्वल टू आई। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है इसमें हमने दो कंडीशन देखे। पहली जो कंडीशन थी, ये जो कंडीशन है पहली वाली कंडीशन, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये फंडामेंटल कंडीशन है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स है, मतलब ये आपकी फंडामेंटल कंडीशन है। और अभी हमने जो दूसरी कंडीशन निकाले ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिराइव्ड कंडीशन बोलते हैं। तो दो टाइप की कंडीशन होती है, एक होती है फंडामेंटल कंडीशन और एक होती है डिराइव्ड। पहले हमने जो लिखे थे कि कौन सी कंडीशन को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, वो कंडीशन जो थी फंडामेंटल थी, और दूसरी हमने जो देखे अभी इसको हम क्या बोलते हैं डिराइव्ड कंडीशन बोलते हैं। अस्यूम करते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू है आई, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा आई। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड हम लोग डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, डिटरमिनेंट लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट साइड है वहां पे डिटरमिनेंट को सेपरेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ आई। अब स्टूडेंट्स ये थंब रूल है जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज जो रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ए के। अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया ए, उसका आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट रहेगा, अगर सपोज हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला 5, तो उसका जो ट्रांसपोज किए थे उसका भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 5 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम पुट करेंगे ए डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे इंटू अगेन डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की जगह आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। अगेन एक और कंडीशन होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ आई जो रहता है, डिटरमिनेंट ऑफ आई जो रहता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। अगर आप आई जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा
प्लस माइनस 1। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि डिटरमिनेंट ए क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। तो डिटरमिनेंट ए जो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए या तो प्लस 1 होगा या तो क्या होगा माइनस 1। अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 लेते हैं, अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लेते हैं 1, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर ऑर्थोगोनल। अभी हमने डिराइव किया डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होती है ऑर्थोगोनलिटी, या तो प्लस 1 होती है या तो माइनस 1। अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 होता है तो क्या बोलते हैं उसको प्रॉपर ऑर्थोगोनल, और डिटरमिनेंट ए इक्वल टू अगर माइनस 1 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल। तो आई होप आप सभी को समझ गया होगा मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे हमने, उसके बाद हमने देखे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हमने देखे रियल मैट्रिक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, फिर रियल मैट्रिक्स के हमने क्लासिफिकेशन देखे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और लास्ट हमने कौन सा देखे अभी आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले कि हमने जो आज पढ़े उसके बेसिस के ऊपर प्रीवियस आपके एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दूंगा वो भी आपको सॉल्व करना है आपके घर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो पढ़ना है स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच।